टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का वक्त हो रहा है तो मैं बैठी हूँ अपने रूम में और सारा काम खत्म हो गया है। तो बस दोपहर में हमारा क्या काम रहता है? आराम करना, क्योंकि सुबह से तो हम लेडीज़ों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह बच्चे लोग को जल्दी जल्दी उठ के नाश्ता बनाना, उन लोगों को टिफिन तैयार करना, उन्हें तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद हस्बैंड जी का भी टिफिन तैयार करना। जब तक मतलब वो लोग चले नहीं जाते हैं तब तक हम लोग को रेस्ट नहीं। जल्दी उन लोग को भेजने के बाद जो भी घर का काम है निपटाते हुए तो मतलब तो दोपहर ही हो ही जाना है हमारा। थोड़ा बहुत दोपहर के वक्त ही होता है जो हम लोग को रेस्ट मिलता है। सारी माओ का यही हालत है, जितना भी है सभी का यही हालत है, क्या कीजिएगा। तो बस अभी दोपहर में बैठे हुए हैं। मेरी बिटिया रानी देखिए स्कूल से आ गई है और बस अभी खाना पीना खा के और रेस्ट कर रही है बेचारी। तो सब तब तक सोची मैं भी ब्लॉग बना ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद इसको पढ़ाना भी है। हम आओ को कहाँ फुर्सत है, सुबह घर का काम करके थोड़ा सा निपट के सोचिए कि दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, तो वो भी हम लोग को नसीब में वो भी नहीं है। क्योंकि अभी देखिए अभी ये आई है स्कूल से, अभी इसका ना स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है मेरी बेटी का। पहले था ना कि 7 से 12 स्कूल चलता था और अब हो गया है ना कि अब आपको 6:30 से 11:30 चलता है। तो घर आते आते 12 बज जाता है, तो आने के बाद बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है खाना पीना खा के। और उसके बाद देखिए अभी कितना बज रहा है, अभी तो 2 बजने वाला है, बजा नहीं, अभी 10 मिनट बाकी है 2 बजने में। तो मैं ही बोलती हूँ कि स्कूल से आने के बाद तुरंत क्या पढ़ने बैठोगे, तो खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर ले रही है और उसके बाद फिर मैं इसको होमवर्क बना दूंगी, ट्यूशन का बनवा देती हूँ। अभी दोपहर में ट्यूशन का बनवा देती हूँ और फिर शाम को बोलती हूँ कि ट्यूशन से आ जाती है 6:30 बजे तक, 4 बजे जाती है और 6:30 में आती है, तो उसके बाद स्कूल का होमवर्क बना लेती है। तो इसको रेस्ट देना भी जरूरी है ना, तो इसीलिए सिर्फ बोलती हूँ कि ट्यूशन का ही होमवर्क बना लो। अभी बना लेती है फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेगी, फिर 4 बजे से ट्यूशन चली जाती है। और अभी रुकिए आप लोग को मिलवाते हैं, और रेस्ट कर रही है। इधर आ बेटा, हेलो दोस्तों। हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? देखिए मेरे बिटिया रानी को अब सिखाना नहीं पड़ता, पहले तो मैं इसे सिखाती थी ना, अभी अपने से बोलती है। मेरा बेटा बेटी दोनों ट्रेन हो गया है, बाबू नहीं है ना, तो वो लोग अभी आपसे मिलवाते। वो अभी दादी के रूम में सो गया है, सुबह से जगा हुआ था ना तो सो गया है। और बिटिया रानी जो है जगी हुई है। और देखिए आती आती बोल रही ना कि मेरे को ये ड्रेस पहनना, इसको ये ड्रेस बहुत पसंद है, येलो ड्रेस। तो आते थे क्या बोल दिया ना कि मुझे येलो वाला ड्रेस पहनाइए। तो आने के बाद इसे फ्रेश कर दिए पहन धो के, तो सुबह ही नहा के जाती है, तो आने के बाद फिर दोबारा ही नहलाते हैं। तो देखिए बोले मुझे तैयार होना है येलो ड्रेस पहन कर। देखिए पहन के रेडी है मेरी बिटिया रानी, कैसी लग रही है बताइए? अच्छी लग रही है ना? हाँ। बिल्कुल परी जैसा लग रही है। अच्छा बेटा ये बता, तुम स्कूल में कैसी कैसी पढ़ी आज? ठीक से बोलो। डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल पढ़ी और क्या क्या पढ़ी है? बोलो, याद नहीं है? नहीं। कल तो इसको मिला था टेबल, मिला था एड, मिला था। आज टेबल एड नहीं मिला है? नहीं नहीं। डोमेस्टिक एनिमल मात्र आज मिला था? मिला था ना। कैसे मिला था? एड और एड मिला था। हाँ। तो एड बना लेती हो अच्छे से? अभी अच्छे से नहीं बनाती है, हम इसको मिल बैठ खा के बताते हैं तब बना पाती है। मेरी बिटिया रानी अब टेबल भी सीखना शुरू कर दी, अभी ज्यादा नहीं आता, अब 2 और 3 का टेबल बता देती है, वो भी भूल भूल के अच्छे तरह से। नहीं ना बेटा, 4 का याद नहीं है अभी, तो 3 का 2 और 3 का याद करो ना, उसके बाद 4 का याद करना। 5 का भी 6 का भी 7 का भी 8 का भी 9 का। सुनो ना, तुमको स्कूल में अच्छा लगता है पढ़ने में? मजा आता है कि नहीं आता? पता नहीं, मजा आता है? बहुत ही मजा, बहुत ही अच्छा। और पता है ये ना रोज अपना टिफिन बॉक्स ले आती है घर लौटा के, खाती नहीं है, इसको देती है ना 2 पराठे देती हूँ, कुछ भी मतलब 2 ही देती हूँ, उससे ज्यादा नहीं देती हूँ। और उसमें से भी ना ये आधा खाती है मुश्किल से, वो भी बाकी का बचा के घर लाती है, घर ला के फिर खाती है। बोलती है कि वहाँ ना जब खाती हूँ ना तो ये बेल बज जाता है, इतना धीरे धीरे स्लो इतना खाती है ना। सुबह भी इसको मैं दूध रोटी खिला के स्कूल भेजती हूँ, बोलती हूँ कि दूध रोटी खा के जाया करो क्योंकि 10 बजे तक लंच होता है तो भूख लग जाएगा। तो ये सुबह में भी इतना धीरे धीरे खाती है ना, इसको डांट डांट के जल्दी जल्दी खिलाते हैं तब जाके खाती है। और रोज टिफिन बॉक्स मतलब ना आधा 2 पराठे में ना आधा ही खाती है, कभी कभी एक खाई है, बाकी घर लौटा के लाती है, रात को भी बिना खाए सो जाती है। तो उसको उठाएंगे ना कि खाना खा लो, तो पहले तो पूरा नखरे करेगी, उसके बाद उठती होगी नींद में खाती है। बहुत बदमाश हो गई है, गंदी बैड गर्ल हो गई है ना। नहीं, अच्छा गर्ल। हाँ तो अच्छा गर्ल खाना खाएगी ना, अच्छा बच्चा लोग ना समय पे खाना खाता है, अपना टिफिन बॉक्स भी खत्म करता है ना, करोगी ना? हाँ, हाँ, हाँ जी बोलिए।
चलो आराम, तुम आराम करो, हम बातें करते हैं, रेस्ट कर लो थोड़ा देर और। तो पता है फ्रेंड्स, मैं ना आ गए, जाइए आराम से बैठो। मैं ना 2-3 दिनों से मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जानते हो हमारे तरफ ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब रह रहा है ना, मतलब कभी भी आंधी तूफान शुरू हो जाता है, कभी भी बारिश हो जा रहा है, और जिसकी वजह से ना लाइट भी नहीं रहता है, इसकी वजह से नहीं बना पा रही थी। कल सिर्फ शॉर्ट्स डाली थी, क्योंकि बहुत शाम हो गया था, कल सुबह से लाइट नहीं था, 2-3 दिन से लाइट नहीं था। तो कल ना आपको शाम के टाइम पे लाइट आया, तो मैं सोची ना कि चलो कम से कम 2 दिन से बना तो नहीं दे रही हूँ, तो कम से कम शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो कल बस वही डाले थे, और अभी देखिए दोपहर का वक्त है तो बना ले रहे हैं। और पता है फिर से मौसम ख़राब कर दिया हमारे तरफ, हो सके तो शाम को फिर बारिश शुरू हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। हमारे झारखंड में कोई गारंटी नहीं, कभी भी बारिश शुरू हो जाता है। बदमाशी नहीं करते ना, बैठो आराम से, ठीक है, आराम करो, गंदी बात नहीं। अच्छा बच्चा लोग कहिए क्या कीजिएगा, ये लोग कितना बोलिए कि बच्चा अच्छे से रहो, तो ये लोग नहीं रहेगा, खाएंगे, देख रहे हैं ना इसको, अब तरबूज खाने का इसको मन कर रहा है। इसका ना रोज पर डे से दादाजी मार्केट में ही रहते हैं, पर डे एक लाते हैं इसके लिए, क्योंकि इसको ना रोज खाना, पर डे खाती है तरबूज, पता नहीं कितना इसको पसंद है। तो खाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इतना इसको इतना चॉइस है ना, रोज का रोज खाती है, रोज देखिए अभी भी बोल रही है। अच्छा रुक जाओ, अभी बातें कर लेते, उसके बाद काटते हैं, ठीक है, बदमाशी नहीं करते। तो बस इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। देखिए आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, पता नहीं लगता है शाम तक, आज भी बारिश हो जाएगा तो आज तक फिर मेरा शॉर्ट्स चला जाएगा। कोई बात नहीं, शॉर्ट्स नहीं तो क्या, ब्लॉग्स तो आपके पास चले ही जाएगा, क्योंकि मैं इसे डाल दूंगी, जल्दी से जल्दी डाल दूंगी। और बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी अपना अपना ठीक है, ठीक है, बातें कर लेना, ठीक है, डिमांड सुन रहे ना, जल्दी से आप बना के मेरा तरबूज हमको काट के दीजिए, हम खा के होमवर्क बनाएंगे। बेचारी को चिंता है, लेकिन बदमाशी करती है, लेकिन मेरी बिटिया रानी पढ़ने में बहुत अच्छी है, और अपना ध्यान भी देती है कि मुझे क्या और कब क्या क्या पढ़ना है, हम अपने मैथ में सब कुछ पढ़ते हैं। तो बस यही कारण है फ्रेंड की 2-3 दिन से मैं नहीं बना रही थी बारिश की वजह से, और फिर अब सोच रही हूँ कि बनाऊंगी, अगर बारिश नहीं होगा ना तो शाम को शॉर्ट्स बनाऊंगी, अगर हो गया तो नहीं बनाऊंगी। वैसे बाहर का मौसम जो है ना अभी बहुत अंधेरा की कर दिया है, बारिश आ सकता है शाम तक, कोई गारंटी नहीं है। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और जो लोग नया है चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और आप लोगों को वीडियो में कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और बस अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, हमेशा बनाए रखिए। देखिए अभी मैं बाय नहीं बोली, मेरे से पहले ही बाय बोल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।